हाय मॉम्स, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया वाइड नेशनल न्यूट्रिशन मंथ मनाया जा रहा है, अलग अलग तरह के आयोजन जिससे कि न्यूट्रिशन अवेयरनेस बढ़े जनरल पब्लिक में, वो हर जगह पे मनाए जा रहे हैं। तो हमारा भी एक मुहिम है और उसके अंदर जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ वो है कि आपको ऐसे क्या फूड आइटम्स या ऐसा क्या आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए जिससे कि आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा मेरे बारे में बता दूँ। आई एम अ मदर ऑफ टू। मेरे बड़े बेटे की उम्र 11 साल है और छोटे बेटे की उम्र 5 साल है, एंड साथ में आई एम अ प्रैक्टिसिंग न्यूट्रिशनिस्ट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड MSc इन फूड साइंस एंड डाइटेटिक्स। मैं लखनऊ में रहती हूँ। तो देखिए, चलिए अब शुरू करते हैं जिस चीज़ के लिए, जिस एजेंडे के साथ आज मैं यहाँ पे हूँ, कि ऐसा क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या ऐसी क्या डाइट होनी चाहिए जो कि आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करे। डाइट के बारे में तो हम बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पर डाइट से पहले आता है आपका लाइफस्टाइल। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं, जब कोई मुझसे इस तरीके की डाइट के बारे में पूछता है, तो डाइट बनाने से पहले जो एक चीज़ मैं सजेस्ट करती हूँ वो ये है कि अब टाइम है कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएं। अभी आप बोलेंगे कि डाइट की बात है और यहाँ पे सेल्फिश होने की बात है। देखिए, सबसे पहली चीज़, सेल्फिश होने से मेरा मतलब ये है कि आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू करें। जब हम मदर्स से बात करते हैं तो उनके पास सब चीज़ों के लिए टाइम होता है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, तो उनके पास सब चीज़ों के लिए टाइम होगा कि हमने अपने, अगर जैसे बच्चों ने कुछ मांगा तो हमने कर दिया, बच्चों की पढ़ाई वो इम्पॉर्टेंट है, घर का खाना वो इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए सामान लेके आना, सबकी चीज़ों को मैनेज करना, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। पर जहाँ पर आपकी बात आती है वहाँ पर सब चीज़ें बैक सीट ले लेती है। तो पहला जो लाइफस्टाइल, मैं इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहती हूँ, तो जो पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो ये है कि आप अपने बारे में सोचें। आप वो हैं जो आप खाना खाते हैं, यू आर व्हाट यू ईट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो डाइट है वो हेल्दी हो, आपकी बॉडी के हिसाब से हो, और अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपका डाइट ऐसा हो कि वही आपकी दवाई बन जाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अब ये हो गया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अभी हमने किस तरीके से, अब इन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है उस पे आते हैं। सबसे पहले तो सिर्फ ये नहीं है कि डाइट इम्पॉर्टेंट है, डाइट के साथ साथ आपका एक्सरसाइज रेजिम, आप क्या एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जिम जाना है या पर्टिकुलर एक टाइम, जो आपकी लाइफस्टाइल में शामिल हो सके, जो चीज़ आप बहुत आराम से कर सकें, उसको आप एज अ एक्सरसाइज के फॉर्म आप अपनी ज़रूर अपने डेली रेजिम में रखें। एक्सरसाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक्सरसाइज आपकी बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और आप बहुत अच्छी तरीके से, आप बहुत जल्दी कंसेप्शन कर सकते हैं, आपकी बॉडी को रेडी करता है प्रोसीजर के लिए। अच्छा, तो अब एक्सरसाइज की बात हो गई। अब दूसरी चीज, कई बार मदर्स आती हूँ बोलती हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है। एक चीज़ को ध्यान रखें, अगर आप ऑप्टिमम फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में नहीं हैं, तो आप कहीं ना कहीं जाके आपको इन सब चीज़ों में आपकी फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा। तो इमोशनल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, फिजिकल हेल्थ हो गई, आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपका फूड इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आपकी गट की हेल्थ आपके मूड को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। फिर उसके बाद आता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेनी है। तो उसमें कुछ, अगर आप जैसे लिकर्स लेते हैं, स्मोकिंग की हैबिट है, या फिर कॉफ़ी टी की हैबिट है, और बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैबिट है देर रात तक सोना, ये सारी चीज़ें आपके हार्मोन्स को इररेगुलर बनाती हैं, आपके हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं। तो ये तो सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बातें हो गई कि किस तरीके से आपको अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेज करना। अगर आप टाइम मैनेज करके चल रहे हो तो बाकी सारी चीज़ें बहुत आराम से मैनेज हो जाएगी। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारी डाइट। तो देखिए, डाइट में सबसे पहली चीज़ मैं आपको आज क्या क्या बताने वाली हूँ, एक तो क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, और उसके बाद कुछ सुपर फूड्स जिसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, और उसके बाद लास्टली मैं आपको ये डिस्कस करूंगी, एक मैं आपको जिसको बोलते हैं ना पावर रेसिपी बना के, पावर रेसिपी मैं आपको दूंगी जो कि आप
डेली बना सकते हो, बहुत आसान रहेगी और वो 100% आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेगी, साथ में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। तो चलिए डाइट की बात करते हैं। जब हम डाइट की बात करते हैं तो आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि बैलेंस्ड हो। मैंने सुना है बहुत तरह की फैंसी डाइट्स होती हैं, इसको नहीं खाओ, उसको नहीं खाइए, पर्टिकुलर इस तरह की डाइट में जाओ। जिस चीज़ को हम रिकमेंड करते हैं वो ये है कि बैलेंस डाइट हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट की मात्रा भी हो, प्रोटीन्स हो एंड साथ में मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वेट लॉस करना है तो वेट लॉस करेंगे तो हम फटाफट सारा फैट बर्न कर देंगे, तो आप ये बिल्कुल मत करिए। फैट का जो इनटेक है वो बहुत ज़रूरी है आपके हार्मोन्स के प्रोडक्शन के अंदर, तो कभी भी आपको फैट बर्न नहीं करना चाहिए। आप हेल्दी फैट ले सकते हो और उसके साथ जो मैं चीज़ें आपको बता रही थी यहाँ पे कि अब आपको बैलेंस डाइट की तो बात हो गई कि बैलेंस डाइट लेनी है, एंड बैलेंस डाइट के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी बाहर का अपना खाना रहता है, बाहर का खाना मतलब जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, आप जितना कम से कम इन चीज़ों को लेंगे उतनी ही बेहतर आपका जो गट का जो बैलेंस रहेगा, फ्लोरा का जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा। तो एंड ये सारी चीज़ें अगर आपका आपका डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है एंड बॉडी की फिजिकल स्टेटस अच्छी है तो धीरे धीरे जाके ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब आते हैं हमारे 10 सुपर फूड्स पे कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसको खाने से हम फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं या उन चीजों को हम अपनी डाइट में कैसे रखें। तो देखिए पहली चीज जो आती है वो आती है बनाना। अगर हम बनाना की बात करते हैं तो बनाना को मैं सुपर फूड क्यों कहती हूं, क्योंकि बनाना के अंदर होता है विटामिन सी और साथ में विटामिन B6। ये दोनों आपकी आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ये आपके एग के मैच्योरेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बनाना को ज़रूर रखिएगा। अब आप बना कुछ लोग बोलते हैं कि मैम ये तो सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अपने को कम करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि बनाना को आप सैलेड के अंदर डाल के इसका इंटेक करिए, तो फाइबर कंटेंट भी बढ़ जाएगा और सैलेड को अगर आप और न्यूट्रिशियस बनाना चाहते हो तो जैसे आपने बनाना लिया, साथ में उसके आपने एक खीरा काटा, एक एप्पल काटा, उसके अंदर उसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए आपने उसके अंदर फ्लैक्स सीड जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है वो आपने जोड़ दिए, तो आपका एक पावर बाउल, सुपर पावर बाउल जो है वो आपका रेडी हो गया। ये सारी चीजें आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, वो है फाइबर। फाइबर का इंटेक बहुत जरूरी है। अगर आप अपना बेबी प्लान कर रहे हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि 2 बार सैलेड्स का इंटेक हमें ज़रूर करना चाहिए। और देखिए फाइबर को अब एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है कि आप जो भी खा रहे हो उसको बहुत ही न्यूट्रिशियस बना दिया जाए। कैसे बना सकते हैं? मिनिमम 5 कलर्स ऑफ फ्रूट्स आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। उससे क्या होगा कि एंटीऑक्सीडेंट की पूरी मात्रा आपको मिलेगी एंड 5 different colors ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फाइबर का कंटेंट भी पूरा हो गया। अब आता है बेरीज। सीजनल बेरीज अगर आपके वहाँ पे अवेलेबल हैं तो डिफरेंट सीजनल बेरीज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिएगा। अगेन इसका रीज़न भी यही है कि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और अगेन कलरफुल जो अलग अलग कलर्स की बेरीज हैं अलग अलग सीजन की, उनको बिल्कुल भी मत छोड़िए, उनको ज़रूर रखिए। मैं जनरली प्रमोट करती हूँ कि आपका सीजनल और घर का खाना, हर चीज़, हमारा इंडियन किचन जो है उसमें बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड हर तरह का फूड आइटम अवेलेबल है, तो क्यों हमें जो चीज़ें सीजनली या लोकली अवेलेबल नहीं है उनको छोड़ के दूसरी चीज़ों की तरफ जाना है। तो ये हमारी 3 चीज़ें हो गई जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं बीन्स के। बीन्स एक अलग एक और सुपर फूड है जो कि ज़रूर मैं बोलती हूँ कि जो मदर्स बेबी प्लान कर रहे हैं उनको अपनी डाइट में रखना चाहिए। रीज़न, एक तो इसके अंदर लीन प्रोटीन होता है और दूसरी चीज़ इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज़ आयरन। आयरन की मात्रा अगर पूरी है तो ये आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है और साथ में आपका हीमोग्लोबिन भी प्रॉपर रहता है, तो ये आपकी डाइट में ज़रूर शामिल होना चाहिए। फिर जैसे हमने बोला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कोशिश करिए कि आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। उसका रीज़न ये है कि अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा और अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं आपके ओव्यूलेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसी चीज़ों को लीजिए जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो एंड फाइबर की मात्रा ज्यादा हो।
उसके बाद हम आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे। देखिए तीन लास्ट में आपको चीजें बताऊंगी जो कि बहुत जरूरी हैं और वो आपको किन सोर्सेस से लेनी है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। अगर अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर एक तो ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके अगेन आयरन के आयरन का एक बहुत ही रिच सोर्स है और साथ में उसके अंदर फोलेट होता है, तो फोलेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग के मैच्योरेशन के अंदर, तो इसको आप ग्रीन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद एक बहुत